हेलो फ्यूजोशीज, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्यूजोशी वर्ल्ड। आज से मैं एक नया ड्रामा स्टार्ट करने वाली हूँ जिसका नाम है लास्ट ट्वाइलाइट। जब मैंने ये ड्रामा देखना शुरू किया था तो मुझे नहीं लगा था कि ये ड्रामा इतना अच्छा होने वाला है। ट्रस्ट मी, फर्स्ट एपिसोड मुझे बहुत पसंद आया एंड आई एम श्योर कि आपको भी बहुत पसंद आएगा। सो विदाउट फर्दर एडू, लेट्स गेट इन टू द वीडियो। एपिसोड की शुरुआत में हम डी नाम के लड़के को देखते हैं जिसका आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट बैडमिंटन मैच है और इसी वजह से वो बहुत नर्वस होता है। डी का बैडमिंटन पार्टनर ऑगस्ट डी को मोटिवेट करता है और उसे बाहर मैच के लिए बुलाने आता है। दूसरी तरफ हम मॉक नाम के लड़के को देखते हैं जो अपने छपरी दोस्तों के साथ फुटबॉल मैच देख रहा होता है। वो भी इसलिए क्योंकि उन लोगों ने आपस में इस मैच पर बेट लगाया था जिसमें मॉक हार जाता है। इसलिए मॉक उन्हें एक और गेम पर पैसे लगाने को कहता है। फुटबॉल मैच तो खत्म हो चुकी होती है इसलिए उसका दोस्त उन्हें फोन पर डे का बैडमिंटन मैच दिखाता है जो सिंगापुरियन टीम के साथ आज है। इसी मैच पर वो लोग बैटिंग करते हैं। इधर मैच बहुत रोमांचक स्थिति पर पहुंच चुकी होती है। दोनों टीम एक दूसरे को काफी तगड़ा कॉम्पिटिशन देते हैं। तभी अचानक डे के सामने धुंधलापन छाने लगता है जिस वजह से वो शॉट मिस कर देता है। इसी तरह मॉक बेटिंग जीत जाता है और अपने दोस्तों से पैसे मांगता है। तभी वहां पर चाय अपने ग्रुप के साथ उनसे लड़ने आ जाता है क्योंकि मॉक के एक दोस्त ने चाय की गर्लफ्रेंड से फ्लर्ट करने की कोशिश की थी। पर उस लड़के को कहां पता था कि चाय सीधा उससे लड़ने ही आ जाएगा। पर मॉक ठहरा गुस्सैल, उसके बैड बॉय की इमेज किसी से छुपी हुई नहीं है। उसके और चाय के ग्रुप के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ ठीक से देख नहीं पाने की वजह से डे मैच ठीक से खेल नहीं पाता है। घबराहट में वो अपनी माँ को पुकारता है। उसकी माँ डे के पास आती और उसे वहां से ले जाती है। मॉक और उसके साथियों को पुलिस जेल में बंद कर देती है। मॉक से मिलने उसकी गर्लफ्रेंड पोरजाय वहां आती है जिसे देखकर मॉक चौंक जाता है। पोरजाय रोते हुए मॉक को बताती है कि उसकी बहन रंग ने खुद की जान ले ली है। मॉक को इस बात का बहुत बड़ा सदमा लगता है। वो अपनी बहन को इस चीज के लिए कभी माफ नहीं कर पाता है। देखते देखते एक साल बीत जाते हैं। मॉक फिर से अपने दोस्तों के साथ मिलकर लड़ाई करने की वजह से पुलिस स्टेशन में होता है। पर आज वो यहाँ इसलिए बैठा होता है ताकि पुलिस उसके पैर से बॉन्डेज हटाकर उसे केस से फ्री कर दे। पुलिस ऑफिसर मॉक से पूछते हैं कि क्या वो अभी भी अपने उन्हीं दोस्तों के साथ घूमते फिरते रहते हैं। मॉक बताता है कि अब वो उनके साथ नहीं है, एका करके सभी उसे छोड़कर चले गए। पुलिस मॉक से जॉब के बारे में भी पूछती है। मॉक के पास अब तक कोई जॉब नहीं होती क्योंकि वो जब भी जॉब के लिए जाता था लोग उसके पैरों में बॉन्डेज देकर समझ जाते थे कि वो पुलिस के चक्करों में है। पुलिस ऑफिसर मॉक को एडवाइस देते हैं कि वो फिर से गलत रास्ते में ना जाए, बहुत जल्द कोई ना कोई जॉब उसे मिल ही जाएगी। यहाँ से निकलने के बाद मॉक एक आदमी के पास जॉब के लिए जाता है क्योंकि उसने मॉक को अपने केस से फ्री होकर आने को कहा था, पर उस आदमी ने पहले ही किसी और को काम पर रख लिया होता है। इसलिए वो मॉक को फिर कभी जरूरत पड़ने पर कॉल करने को कहता है। मॉक वहां से जाने लगता है कि तभी वो देखता है कि एक लड़का वहां काम के लिए आया है और वो आदमी उसे तुरंत रख लेता है। मॉक गुस्से में चलकर उस आदमी के पास आता है। उसे लगता है कि मॉक उसे मारने आ रहा है इसलिए वो डर जाता है, पर मॉक उसके कुर्सी को पैर से मारकर ठीक कर देता है और कहता है कि वो इसे ठीक करने के पैसे नहीं ले रहा है, वो बस जॉब के लिए उसे एक बार कॉल जरूर करे। मॉक पोरजाय से मिलने जाता है जो बार में ड्रिंक बनाने का काम करती है। पोरजाय मॉक को ड्रिंक ऑफर करती है पर मॉक ने पीना छोड़ दिया होता है इसलिए वो उससे पानी मांगता है। पोरजाय मॉक से उसके काम के बारे में पूछती है। मॉक बताता है कि लोगों को शरीफ लोग काम के लिए चाहिए इसलिए उसे जॉब नहीं मिल रही। उसके पैर से बॉन्डेज निकल गई लेकिन फिर भी लोगों को यही दिखाई दे रही। अगले दिन रंग की डेथ एनिवर्सरी होती है इसलिए मॉक और पोरजाय उससे मिलने उसके रेस्टिंग प्लेस पर जाते हैं। मॉक को अचानक पहले की बात याद आने लगती है कि एक वक्त था किसी जगह पर वो लोग रंग के साथ अपने पेरेंट्स से मिलने आए थे। रंग अपने पेरेंट्स से अपने भाई की शिकायत करती है और अपने नए बिजनेस में उनका आशीर्वाद मांगती है जिसके लिए उसने अपनी सारी सेविंग्स लगा दी है। लेकिन रंग का बिजनेस चल नहीं पाता है जिस वजह से वो अपनी जान दे देती है। पोरजाय समझ पाती है कि मॉक इस वक्त क्या सोच रहा होगा इसलिए वो उसे गिल्टी फील करने के लिए मना करती है, जिस पर मॉक कहता है कि गिल्टी उसे नहीं बल्कि रंग को फील करना चाहिए। उसके बाद पोरजाय
मॉप से पूछती कि अब वो क्या करने वाला। अगले हफ्ते उसे रंग के कार की इंस्टॉलमेंट देनी है जो गिरवी पड़ी हुई है। क्या उसे किसी से पैसे उधार मांगने चाहिए? पर मॉक मना कर देता है क्योंकि अब वो लोग पहले की तरह बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं रहे। पोर्जा मॉक को एसी ठीक करने का काम बताती है। अगले दिन वहाँ काम करके मॉक जा ही रहा होता है कि तभी मॉक देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग इंटरव्यू देने आए हैं। किसी से पूछने पर मॉक को पता चलता है कि ये लोग केयर टेकर के काम के लिए इंटरव्यू देने आए हैं। मॉक भी इंटरव्यू देने का वेट करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि ये इंटरव्यू डे की माँ और उसके बड़े भाई नाइट ने डे का ख्याल रखने के लिए रखा है, जो एक तरह से देख नहीं सकता है। उसकी आंखों की बस 20% ही रोशनी बची हुई है। डे को कोई भी पसंद नहीं आता है क्योंकि सभी लोग उस पर तरस खा रहे होते हैं। वो इंटरव्यू से थक भी चुका होता है, इसलिए वो बाकी लोगों से कल मिलने को कहता है। नाइट मॉक को कल आने को कहता है, पर मॉक कई घंटों से इंतजार कर रहा था, इसलिए वो गुस्से में अंदर आकर कहता है कि अगर वो लोग एक और इंटरव्यू ले लेंगे तो मर नहीं जाएंगे। मॉक को जब एहसास होता है कि ये इंटरव्यू एक अंधे इंसान का ख्याल रखने के लिए है, तो वो माफ़ी मांगकर वहाँ से जाने लगता है कि डे उसे ताना देता है कि उसने इतने धमाकेदार एंट्री दी है तो उसे इंटरव्यू के लिए रुकना चाहिए, इससे वो मर नहीं जाएगा। जब से डे की रोशनी गई होती है, डे काफ़ी बदतमीज हो चुका होता है। डे अपनी माँ को मॉक को बताने के लिए कहता है कि उसे इस जॉब में एक अंधे इंसान को अपने हाथों से खिलाना होगा, क्योंकि जब वो खुद से खाता है तो वो खुद को चोट पहुँचा लेता है। डे मॉक को अपने पैर दिखाता है जहाँ उसे इसी वजह से चोट लग गई थी। नाइट मॉक से पूछता है कि क्या उसने आज से पहले किसी का ख्याल रखा है, पर मॉक ने सिर्फ आज तक अपने ड्रंक दोस्तों को उसके घर तक ही छोड़ने का काम किया। ये सुनकर डी कहता है कि वो कोई मरे हुए इंसान से कम नहीं है, इस काम के लिए तो मॉक को पैसे भी मिलेंगे। डी मॉक को हायर करने के लिए कहता है, पर मॉक मना करके जाने लगता है कि डी उसे दुगने पैसे देने की बात कहता है। वो मॉक को अपने बारे में सारी बातें बताने को बोलता है, जिस पर मॉक कहता है कि डी उसके बारे में नहीं जाने वही ठीक है। डे मॉक को और पैसे देने को बोलता है, पर मॉक डे को अपने पैसे अपने पास रखने को बोलता है, क्योंकि जिस तरह से वो लोगों से बदतमीजी करता है, डॉक्टर को उसे दिखाने में काम आएंगे। इतना बोलकर मॉक वहां से चला जाता है। शाम को पी अपने पैसे लेने के लिए मॉक को ढूंढते ढूंढते पोर्जाय के पास आता है, पर उसे भी पता नहीं होता है कि डे इस वक्त कहाँ है। पैम पोर्जाय को डे से कहने को कहता है कि उसकी कार बहुत समय से उसके पास गिरवी पड़ी है, वो उसके पैसे लौटा कर कार ले जाए, नहीं तो वो कार बेच देगा। पी के जाते ही मॉक बाहर आता है जो वहीं पर छुपा हुआ था। मॉक उस कार को बेचने का फैसला कर लेता है क्योंकि वो कार वैसे भी उसकी नहीं बल्कि रंग की है। पोर्जाय उसे वार्न करती है कि कहीं वो इस वजह से बाद में पछताए ना। उसके बाद मॉक पोर्जाय को साथ में ड्रिंक करने को बोलता है, पर पोर्जाय का बॉयफ्रेंड किंग घर पर उसका वेट कर रहा होता है, इसलिए वो चली जाती है। अगले दिन मॉक पी को कार की चाबी देने आता है और कार बेचने को बोलता है। पी उसे इस बारे में फिर से सोचने को बोलता है क्योंकि ये रंग की फेवरेट कार है, पर मॉक फिर भी इसे बेचने को बोलता है और लोगों से कहने को कहता है कि इस कार की इंजन ओरिजिनल है, ये कार ज़्यादा यूज नहीं हुई, इसका कलर अभी भी शाइन कर रहा। मॉक को हर बात याद होती है कि रंग कैसे इस कार को अपने बच्चे की तरह पालती थी। मॉक को इमोशनल होता देख पी उसे 6 महीने तक पैसे लौटाने का समय दे देता है। डे नाइट के साथ डॉक्टर के पास चेकअप कराने के लिए आता है, सब कुछ ठीक ठाक होता है। डॉक्टर डे को अपना और अच्छे से ख्याल रखने को कहता है। डे जब वॉशरूम के लिए जाता है तो नाइट डॉक्टर से पूछता है कि डे के लिए उन्हें कोई आई डोनर मिला कि नहीं। डॉक्टर से मिलने के बाद किसी काम की वजह से नाइट शाइनिंग सोसाइटी रुकता है। डे को वो बाहर उसका इंतजार करता छोड़कर बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। वहीं पर मॉक जॉब के लिए आया होता है पर उसे जॉब नहीं मिलती, इसलिए वो जाने लगता है कि तभी लिफ्ट का दरवाज़ा खुलते ही उसे अपने सामने डे मिल जाता है। डे लिफ्ट के अंदर आता है और अपने लिए लाइब्रेरी फ्लोर का बटन प्रेस करता है। लिफ्ट से बाहर जाते वक्त उसका लाइब्रेरी कार्ड वहीं गिर जाता है, इसलिए मार्क उसे लौटाने आता है। डे अपने लिए हेल्पर की हेल्प से कुछ सीडी देखने लगता है। मॉक उसी लेडी को बताता है कि वो डे का आईडी कार्ड लौटाने आया है। उसके बाद वो उस से डे के बारे में पूछता है कि उसे क्या हुआ है। वो लेडी बताती है कि एक कार एक्सीडेंट में डे के आंखों की कॉर्निया खराब हो गई थी, तब से उसे देखने में दिक्कत हो रही है। जब तक उसके लिए आंखों का डोनर नहीं मिल जाता तब तक उसकी आंखें ठीक नहीं हो सकती है। इतना बताकर वो लेडी चली जाती है। इधर गलती से सीढ़ी जमीन पर गिर जाती है। डे ढूंढने की कोशिश करता है पर उसे मिल नहीं पाती है। तभी नाइट वहां आता है और उसकी मदद करता है। नाइट डे से कहता है कि उसने उसका बाहर इंतजार
प्यार करने को कहा था, फिर वो यहाँ क्या कर रहा। डी गुस्से में वहाँ से चला जाता। ऐसा लगता है जैसे डी को नाइट कुछ खास पसंद नहीं है। कार में नाइट डी को सीट बेल्ट लगाने को बोलता है। डी पहले तो इग्नोर कर देता है, पर दूसरी बार बोलने पर जब वो सीट बेल्ट लगाता है तो उसे लग नहीं पाता, इसलिए नाइट उसकी मदद करता है। डी को ये चीज़ पसंद नहीं आती। तभी उसकी माँ कॉल करके नाइट को डी से डॉक्यूमेंट के बारे में बात करने को कहती है। नाइट डी को एक डॉक्यूमेंट के बारे में बताता है जिसमें अब से वो उसका कस्टेडियन बनेगा, क्योंकि उसकी माँ को काम की वजह से हर वक्त बाहर रहना पड़ता है, इसलिए इमरजेंसी में वही उसकी मदद कर पाएगा। पर डी इस चीज़ के लिए मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि नाइट उसका सब कुछ हड़पने के लिए ये कर रहा है। यहाँ तक कि नाइट जो कार ड्राइव कर रहा है वो कार उसकी माँ ने डी के लिए लिया था। डे नाइट को ये चीज़ याद रखने को कहता है कि जिस दिन वो देखना शुरू कर देगा उस दिन के बाद से फिर से कोई भी नाइट की परवाह नहीं करेगा। ये सुनकर नाइट को गुस्सा आ जाता है। गाड़ी रोककर वो गुस्से में डे से कहता है कि उसे क्या लगता है कि उसका ख्याल रखना उसके लिए ईजी है। डॉक्टर ने कहा है कि उसे 10 सालों में भी शायद आई डोनर नहीं मिल पाएगा, इसलिए वो उससे कितनी भी नफरत क्यों ना कर ले उसे उसी पर ही निर्भर रहना होगा। नाइट को एहसास होता है कि उसे डे से ये सब नहीं कहना चाहिए था, इसलिए वो उसे सॉरी बोलता है। पर डे गुस्से में गाड़ी से ये बोलकर उतर जाता है कि अगर वो मर भी रहा हो तब भी नाइट उसकी मदद करने ना आए। बाहर गाड़ियाँ चलने लगती, इसलिए डे बीचों बीच सड़क में फंस जाता है। नाइट उसकी मदद करने के लिए आना चाह रहा होता है पर उसकी सीट बेल्ट खुल ही नहीं रही होती है। डे को एक गाड़ी से टक्कर लगने वाली होती है कि तभी मॉक वहां आकर उसे बचा लेता। तब तक नाइट भी कार से बाहर आ जाता है। मॉक डे को बताता है कि वो एसी वाला लड़का है जो कल उसके घर आया था। उसके बाद वो डे से उसके घर का पता पूछता है और अपने बाइक में उसे घर ड्रॉप करता है, जहां उसकी माँ डे का बाहर ही वेट कर रही होती है। वो उसे मॉक के साथ देख कर हैरान हो जाती है। वो डे को घर के अंदर ले जाने लगते है कि तभी डे मॉक को घर के अंदर आने को बोलता है। डे मॉक से पूछता है कि क्या वो पढ़ सकता है। वो उसे सेल्फ से कोई भी बुक लेकर पढ़ने को बोलता है। मॉक ऐसा ही करता है। वो एक बुक लेकर कुछ लाइंस पढ़ने लगता है। डे ने वो बुक पढ़ रखी होती है, इसलिए वो बिना बुक डे के कुछ लाइंस बोलने लगता है। उसके बाद डे अपनी माँ से मॉक को हायर करने को कहता है और धमकी देता है कि या तो वो मॉक को काम पर रखे। मॉक तो यहाँ सिर्फ डे को ड्रॉप करने आया था, इसलिए वो वापस जाने लगता है कि नाइट उसे एक बार इस काम को एक्सेप्ट करने के बारे में सोचने के लिए कहता और बाद में अपना जवाब देने को बोलता है। मॉक बाहर आता है तो उसे याद आने लगता है कि उसे इस वक्त सच में पैसे की सख्त ज़रूरत है। उसे अपनी बहन रंग के कार को भी छुड़वानी है, इसलिए वो घर के अंदर वापस आता है और बोलता है कि वो डे का आईडी कार्ड लौटाने आया है। नाइट कार्ड लेने आने वाला होता है कि मॉक कहता है कि ये कार्ड डे की है तो उसे कार्ड लेने आना चाहिए। डे की माँ डे को रोकती है, पर डे फिर भी किसी तरह खुद से चलकर मॉक के पास पहुंचता है और अपना आईडी कार्ड लेता है। आईडी कार्ड देते वक्त मॉक डे को अपना नाम बताता है और पूछता है कि उसे काम के लिए कब से आना चाहिए। डे स्माइल करता और मॉक को कल मिलने को बोलता है। इस तरह एपिसोड फर्स्ट डे पर खत्म होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और कॉमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।